दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? बहुत सारी गर्मा गर्म जबरदस्त खबरें लेके आए हूं दोस्तों। कैसा चल रहा है आपका नया साल? तीन चार दिन ऑलरेडी नए साल के हो गए, पता भी नहीं चल रहा है दिन कहां पे जा रहे, बट खबरें तो लेके आने वाले हैं। जैन का महीना जबरदस्त होने वाला है, इतने सारे अनबॉक्सिंग वगैरह आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस का वीडियो लाइव हो गया, कुछ एक या दो नंबर ट्रेंडिंग पे था, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वैसे स्विगी जोमैटो भी थैंक यू कहने वाला है न्यू ईयर के लिए। जी हाँ, द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो उन्होंने ईयर एंड जो था 31 दिसंबर में किए, दैट वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। जी हाँ, एक घंटे में 1 मिलियन यूजर्स आए थे ऐप के ऊपर, मतलब 10 लाख लोग। इनफैक्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में जितने ऑर्डर्स दिए थे उससे भी ज्यादा ऑर्डर्स लोगों ने दिए, कुछ 140 ऑर्डर्स पर सेकंड, 140 ऑर्डर्स पर सेकंड, दैट इज क्रेजी। और पता है टॉप सेलिंग कौन सा था? इज नो क्वेश्चन दोस्तों, पोटैटो चिप्स, बिरयानी, ये सब जो है ये टॉप रिक्वेस्टेड ऑर्डर्स थे, जबरदस्त। ऑलराइट, और एक बड़ी खबर है दोस्तों, दुनिया भर में स्मार्टफोन जो है उनके सेल्स नोज डाइव हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के हिसाब से इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। इनफैक्ट प्रीमियम स्मार्टफोन्स और भी ज्यादा लोग ले रहे हैं, एंड 7 कंसेक्यूटिव, मतलब 7 साल हो गए कंटिन्यूअसली ये जो स्मार्टफोन मार्केट है वो बढ़ी रहा है। और एक बात कहूँ, अगले 7 साल भी यही होने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फीचर फोन्स इस्तेमाल करते हैं, एंड दे स्टिल हैव टू गो, लिटरली 100 मिलियन, 200-300 मिलियन लोग अभी भी स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, सो क्रेजी। वैसे एप्पल ने प्रीमियम सेगमेंट डोमिनेट किया हुआ है, हमें पता है ये जो सेल होते हैं दिवाली के वगैरह में सब आईफोन ही ले रहे हैं, कुछ 70% मार्केट शेयर ले लिया उन्होंने अबाउ 50,000 के स्मार्टफोन्स के ऊपर। सेकेंड नंबर पर सैमसंग है, 17% मार्केट शेयर है, सो या एप्पल इज डूइंग वेरी वेल। वैसे गूगल ने क्रोम में एक सेफ्टी फीचर ऐड कर दिया जिसका नाम है ट्रैकिंग प्रोटेक्शन। जी हाँ, ये बेसिकली इंटरनेट कुकीज टर्न ऑफ कर देता है कुछ 30 मिलियन यूजर्स के लिए, ताकि थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है जो ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रैक आपको ना कर सके। याद रखिए, कुकीज की वजह से आप जो भी करते हो वो ट्रैक होता है, और उसकी वजह से आपको पर्सनलाइज्ड ऐड मिलते हैं, और अब ये होने की वजह से वो जो ट्रैकिंग है वो बंद हो जाएगी। यू विल बी मोर सिक्योर, योर डेटा विल बी मोर सिक्योर, एंड दैट्स गुड। चलिए स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते हैं, नए लॉन्चेस बहुत सारे हैं। Vivo X100 Pro दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है, जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। इनफैक्ट कल आ गया है Vivo X100 Pro Plus का वीडियो आ गया है, अगर नहीं देखा, नहीं प्रो का वीडियो आ गया है, जरूर जाके देखिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्राइस हाँ थोड़ी ज्यादा 89,999 है, बट वॉट कैमराज, क्रेजी। X100 की प्राइस करूँ 256 GB के बारे में तो 63,999 आई हुई है। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा Redmi Note 13 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज। जो Note 13 है दोस्तों उसकी प्राइस 6128 के लिए चालू होती है 17,999 से। अगर Note 13 Pro के बारे में बात करूँ वो 25,999 से स्टार्ट होती है, और अगर 13 Pro Plus के बारे में बात करूँ तो इट इज अराउंड 31,999, लेकिन ऑफर्स के साथ इफेक्टिव प्राइस जो है 30,000 के नीचे आती है फॉर 8256 वेरियंट। टेक्नो ने उनका टेक्नो पॉप 8 लॉन्च कर दिया, और एक बात करूँ दोस्तों प्राइस के हिसाब से जबरदस्त, इसकी प्राइस बैंक ऑफर के साथ 599, मतलब अंडर 6000 आया हुआ है, एंड 90 हर्ट्ज की IPS HD+ स्क्रीन है, यूनिसॉक T606 प्रोसेसर है जिसका 2.5 लाख का अंदर स्कोर आता है, सो अगेन बजट में भी सही है बहुत। बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो गए हैं, बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है Samsung Galaxy S24 सीरीज। इसके प्री रिजर्वेशन इंडिया में स्टार्ट हो गए, तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो प्री रिजर्व कीजिए, लेकिन अगर आप प्री रिजर्व करोगे तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। 5,000 तक अगर प्री रिजर्व करते हो, 2,000 में यू कैन डू प्री रिजर्व, एंड 5,000 के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये जो अमाउंट पेड है दोस्तों, ये VIP पास आपको मिलने वाला है, तो जब भी आप पैसा खर्चा करोगे, मतलब जब बाय करोगे एक्चुअल फोन, तो उसमें वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, सो वेरी नाइस। मोटो G34 इंडिया में Jan 9th के लिए लॉन्च हो गया है, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है दोस्तों, ये भी सही लग रहा है। जी हाँ, इसकी प्राइस जबरदस्त लग रही है, मतलब इट इज गोइंग टू कम अराउंड 10,000, अभी एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, एंड 695 Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, कुछ 4-4.5 लाख अंतर उसको आता है, बट 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के लिए कहा जा रहा है 10,000 के अराउंड ये प्राइस आने वाली है, सो I'm looking forward to Moto G34 as well. वैसे दोस्तों इसका वीडियो भी जरूर आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतने सारे लोग आते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, दैट इज ऑल वी आस्क।
ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। आइको नियो 9 प्रो इसकी प्राइस टिप हो गई है दोस्तों, 40,000 अंडर 40,000 ये आने वाला है। और याद रखिए 8 Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है, 50 MP का डुअल कैमरा सेटअप है, 144Hz एमोलेड स्क्रीन है, 5160mAh की बैटरी विद 120W फास्ट चार्जिंग, अंडर 40,000 लुक्स रियली गुड। पोको एक्स सीरीज दोस्तों इसकी जो इंडिया लॉन्च डेट है वो रिवील हो गई है फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट का टीजर आ गया है, जनवरी 11th को लॉन्च होने वाला है। ये भी 1.5K 120Hz एमोलेड स्क्रीन के साथ 7S Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है इसके अंदर, एंड हाइपर OS व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। एंड पोको है तो प्राइस भी अग्रेसिव होने वाले, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए रेडमी नोट के बारे में बात कर लिया, पोको के बारे में बात कर लिया, तो रियलमी के बारे में बात कैसे नहीं करेंगे। उनकी नंबर सीरीज रियलमी 12 प्रो प्लस के रेंडर्स आ गए हैं, पेरिस्कोप लेंस कंफर्म हो गया है, यस। एंड उन्होंने क्या कहा पता है, बियॉन्ड 200 MP पेरिस्कोप अवेट। अब 200 MP किस फोन में है? जी हाँ, जो उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है नोट। सो बियॉन्ड 200 MP पेरिस्कोप ऑल्सो इज देयर, तो वो उनकी पंचलाइन होने वाली है उनके कॉम्पिटिशन के आगे। कर्व्ड ओलेड स्क्रीन होने वाली है, 7S Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है, अप टू 12GB रैम एंड 512GB स्टोरेज होने वाले, 3x पेरिस्कोप होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसके कैमराज कैसे होंगे? रियली रियली ऑलराइट दोस्तों, एक सवाल पिछले 6 महीने से था कि भाई एक्सिनोस होने वाला है या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 S24 प्लस एंड अल्ट्रा में। तो जो बेस वेरिएंट होगा वो शायद एक्सिनोस में होने वाला है, बट S24 प्लस एंड अल्ट्रा में 8 Gen 3 होने वाला है, ये क्लियर हो गया है। जो S24 होने वाला है उसमें एक्सिनोस 2400 होने वाला है, एंड इस टाइम के S24 सीरीज में AI पे बहुत ज्यादा भार दिया जाएगा, बहुत सारे फीचर्स जो होने वाले हैं AI के होने वाले हैं। So I'm looking forward to it. वैसे जनवरी 17 को सैन होजे में लॉन्च हो रहा है, एंड वी आर गोइंग टू बी देयर। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। वैसे दोस्तों WTF न्यूज ऑफ द डे में या तो आईफोन होता है या तो स्कैम होता है। आईफोन की और एक न्यूज आ गई, आईफोन 15 प्रो में एडहेसिव गेट नाम का एक प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, जहां पे बैक पैनल जो है ना वो एजिस से बाहर निकल रहे हैं। I don't know, मतलब वो बेसिकली जो एडिसिव इस्तेमाल किया है उसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन सोचिए आप 1-1.25 लाख का फोन लेते हो और 6-8 महीने में उसका बैक जो है लिटरली पील हो रहा है, ओ माय गॉड। वैसे दोस्तों कुछ कुछ यूजर्स हैं जिनके लिए एप्पल ने डिवाइस रिप्लेस कर दिया है इस प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्विस सेंटर में जाइए एंड गेट इट रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, वक्त होता है रैपिड फायर का दोस्तों। गूगल मैप्स टेस्ट कर रहा है 3D बिल्डिंग्स इन नेविगेशन, मतलब विजुअल्स में अच्छा दिखेगा, 3D बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको जब आप गाड़ी चला रहे हो और मैप से देख रहे हो। सो या लुक्स नाइस। वैसे रियलमी ने उनका जो रियलमी बुक है, उनका जो लैपटॉप है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया है इंडिया में। जी हाँ, ट्विटर पे DM आया था, ब्रांड ने बता दिया कि नहीं भाई गैलेक्सी नहीं है, रियलमी बुक नहीं होने वाला है, बंद हो गया है। शाओमी ने कंफर्म कर दिया कि हाइपर OS जो वो इंडिया में आने वाला है, ऑब्वियसली पोको में आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है तो ऑब्वियसली हाइपर OS आने वाला है। लेकिन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि शाओमी 13 प्रो शाओमी पैड 6 में सबसे पहले ये अपडेट आएगा। वैसे जियो को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करने के लिए इंडिया में, नाइस। और कैसी लगी आज की खबरें? थोड़ी बैठ के की, थोड़ी अलग की, आपको अलग होना चाहिए। हर रोज टेक न्यूज में कुछ ना कुछ अलग करने वाले हैं, दैट्स अ प्रॉमिस। और इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और न्यूज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।